बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम अलाइड स्कूल खैरी कैंपस। बेटा, वी हैव बीन स्टडिंग चैप्टर नंबर 6, मैटर एंड मटेरियल। उसके 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, जिसमें एटम, मॉलिक्यूल्स और उसकी स्टेट के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से चेंज होती है। आज हम जो टॉपिक इसका पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मिक्सचर, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये 3 टॉपिक्स हैं। अ मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर डिफरेंट मटेरियल, 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल्स के मिलने से जो चीज़ बनती है, दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। दे मेंटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ सेम रखती हैं। अब जस्ट लाइक जैसे पानी, चीनी और एक शरबत जैसे आप पीते हैं, रूह अफ़ज़ा है, जामशीरी है, टैंग है, ठीक है। तो अगर आप वो मिक्स करते हैं तो ये एक मिक्सचर बनता है, ठीक है। इनको मिला के जो एक शरबत बनता है वो मिक्सचर है। लेकिन अगर आप उसको टेस्ट करें तो आपको पानी की कंसिस्टेंसी यानी लिक्विडपन, चीनी की मिठास स्वीटनेस और शरबत का रंग, वो तीनों चीज़ें आइडेंटिकली नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया, दे मीन्स दे कैन बी सेपरेटेड इफ़ नीडेड, और उनको अलग अलग किया जा सकता है। इफ़ यू मिक्स सैंड एंड सॉल्ट टुगेदर, यू क्रिएट अ मिक्सचर। अगर आप सैंड को और सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो फिर जो है वो आप मिक्सचर बना रहे हैं। इसको भी अलग किया जा सकता है, किस तरह से नमक और रेत को जब मिलाया जाता है और उसको पानी में हल किया जाए तो उसके बाद उसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने से क्या होता है, रेत ऊपर रह जाती है, अब पानी में नमक हल हो चुका है। उसके बाद पानी को गर्म करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा और पीछे सॉल्ट बॉटम में रह जाएगा। सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस के बारे में अब नेक्स्ट। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर टाइप ऑफ मिक्सचर, ये भी मिक्सचर की टाइप है। दे आर मिक्सचर इन विच एटलीस्ट वन ऑफ दी मटीरियल्स इज़ अ लिक्विड, जिनमें से एक मटीरियल लिक्विड होता है एंड अदर इज़ अ सॉलिड। हाउएवर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन, लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ खास फ़र्क है। अच्छा जी, अ सस्पेंशन, अब सस्पेंशन को देख लेते हैं। सस्पेंशन इज़ अ मिक्सचर इन विच द मटीरियल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इफ़ दे आर लेफ्ट टू स्टैंड। सस्पेंशन में क्या होता है कि मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं अगर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू स्ट्रीट सॉयल, अगर आप मिट्टी को जो है वो मिक्स करें इनटू अ कंटेनर ऑफ वाटर, पानी के एक बर्तन में, द सॉयल वाटर विल बिकम ब्राउन, और जो मिट्टी है पानी को ब्राउन बना देगी। इफ़ यू लीव द मिक्सचर टू स्टैंड, और अगर आप इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए रख दें, द सॉइल विल एवेंचुअली सेटल, वो नीचे बैठ जाएगी मिट्टी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। आप ये देखें, अगर आप एक ग्लास या कोई कंटेनर लेते हैं उसमें आप मिट्टी को डालें और उसको मिक्स करें तो पानी ब्राउन कलर का हो जाएगा, लेकिन अगर उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें, हिलाएं नहीं, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी जो है वो थोड़ा सा पोल्यूटेड फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। अ सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर इन विच A solution is a mixture in which the solid material dissolve in the liquid. They do not separate from each other if they are left to stand. ठीक है, सोल्यूशन में क्या होता है कि अगर आप उसको अलग भी रख दें थोड़ी देर के लिए तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टीर अ स्पून फुल ऑफ शुगर इन टू अ कंटेनर ऑफ वाटर, पानी के बर्तन में अगर आप चीनी हल करें, द शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर, चीनी पानी में हल हो जाएगी। इफ़ यू लीव द मिक्सचर टू स्टैंड, अगर थोड़ी देर के लिए आप उसको रख दें मिक्सचर को, द शुगर विल रिमेन डिजॉल्व इन द वाटर, चीनी पानी में हल ही रहेगी, ना के नीचे बैठ जाएगी। यहाँ पे एक्टिविटी टाइम है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन आप इसमें से बता दें कि क्या सॉल्यूशन है, सस्पेंशन या सॉल्यूशन में। बट यू विल नीड 3 ग्लास ऑफ वाटर, 3 ग्लास पानी, सॉल्ट, नमक, शुगर और मिट्टी लेनी है। व्हाट विल यू डू, आपने क्या करना है, स्टीर सम सॉल्ट इनटू वन ऑफ द ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास में नमक को हल करना है, स्टीर सम शुगर इनटू सेकंड ग्लास, दूसरे ग्लास में जो है वो चीनी हल करनी है, स्टीर सम सैंड इनटू द लास्ट ग्लास ऑफ वाटर, और आखिरी ग्लास में मिट्टी को पानी में हल कर लें। लेट दम स्टैंड स्टिल एंड सी व्हाट दे फॉर्म अ सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो ये जो आपके पास 3rd वन है ये सस्पेंशन बनाएगा, क्योंकि ये हल नहीं होता, जबकि सॉल्ट और शुगर जो है वो पानी के साथ सॉल्यूशन बनाएगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या करेंगे।